तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार मुसलमानों ने रचा इतिहास। गाजियाबाद की सवा हैदर ने भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीता अमेरिका में चुनाव। पूरी दुनिया में मुसलमानों का बजा डंका। बहराइच हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया तो देना होगा आपको मुआवजा, एक एक रुपया करेंगे आपसे वसूल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को बताया अपना दुश्मन, दे दी बड़ी चेतावनी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को लगाई फटकार, बोले अब दुनिया में नहीं होगा युद्ध, सभी देश बंद करें जंग। मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज, अब जाएंगे जेल, मुसलमानों के खिलाफ बयान देना पड़ा भारी। सपा सांसद जियाउर रहमान ने बीजेपी सरकार को दी धमकी, बोले मुसलमानों को कुंभ से अगर भगाया तो हम भी हिंदुओं को दरगाहों पर नहीं आने देंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में मुसलमानों ने रचा इतिहास। गाजियाबाद की सवा हैदर ने भी जीता चुनाव, देखते रह गए अंधभक्त। ये दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इस बार मुसलमानों ने इतिहास रच दिया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार अमेरिका में जीते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत के गाजियाबाद की सबा हैदर ने भी अमेरिका में चुनाव जीता है। दरअसल आपको बता दें कि सबा हैदर ने अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार पैटी गुस्टिन को 8,500 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। पिछली बार के चुनाव में वह 1,000 के अंतर से चुनाव हार गई थी। उनकी जीत से भारत में परिवार के लोगों ने जश्न मनाया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के चित्रगुप्त विहार की रहने वाली सबा हैदर बीते 15 सालों से अमेरिका में रह रही हैं और अमेरिका में वो लोगों को योगा सिखाती हैं। वहीं आपको बता दें कि योगा सिखाते सिखाते वो लोगों की मदद करती हैं और इसका फल आज उनको मिल गया और वो चुनाव जीत गई, जिससे पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा है और मुस्लिम बेटी भारत की अमेरिका में चुनाव जीती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच हिंसा को लेकर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, बोले किसी के घर पर चलाया बुलडोजर तो लेंगे सख्त एक्शन। जो दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में हुई हिंदू मुस्लिम की हिंसा के मामले में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है और योगी सरकार को फटकार लगाते हुए नए निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून का पालन योगी सरकार को करना होगा और चुनिंदा तरीकों से किसी के घर को बुलडोजर चलाकर गिराना नहीं होगा। योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि अगर बिना हमारी इजाजत के किसी के घर पर भी बुलडोजर बहराइच में मुसलमान के चला दिया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और पूरा हर्जाना आपको उस परिवार को देना होगा। यानी योगी सरकार अब बहराइच हिंसा में बुलडोजर नहीं चला पाएगी, क्योंकि जब बहराइच हिंसा हुई थी उसके बाद योगी सरकार ने अधिकारियों को मुसलमानों के घरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी ने मोदी योगी को बताया अपना दुश्मन, दे दी चेतावनी। जो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच औरंगाबाद में अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना दुश्मन बताया। ओवैसी ने शहरों के नाम बदलने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि क्या नाम के बदलने से रोजी रोटी मिट जाएगी, क्या नाम के बदलने से किसानों की खुदकुशी रुक जाएगी, क्या नाम बदलने से पानी की प्यास बुझ जाएगी, कि क्या नाम बदलने से बीमार को दवा मिल जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन मोदी योगी है और मैं चुनाव प्रचार करने नहीं आता था, लेकिन मुझे योगी मोदी की वजह से चुनाव प्रचार करने के लिए औरंगाबाद आना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा दुश्मन बताया और कहा कि ये लोग हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो
अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल यूक्रेन को दी हिदायत, बोले अब नहीं होगा किसी भी देश में युद्ध। जदोसो आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतते ही इजराइल और यूक्रेन को हिदायत दे दी है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और यूक्रेन को चेतावनी दी है कि वह किसी भी कीमत पर इन देशों में युद्ध नहीं होने देंगे और वो सत्ता संभालते ही युद्ध रुकवाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक इजराइल को कई देशों ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही चुनाव जीता है उसके बाद इजराइल को चेतावनी दे दी है कि उसको अब युद्ध रोकना पड़ेगा। इससे बीत पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देना, मिथुन चक्रवर्ती को पड़ा भारी FIR दर्ज। जो दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा में मुसलमानों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था और इस संबंध में अब विधान नगर थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हो गई है। इससे मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को बीजेपी ने साल्ट लेक में एक जनसभा को आयोजित किया था। वहां मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि यहां एक नेता ने कहा था कि 70% मुस्लिम 30% हिंदू हैं, इन्हें काटकर भागीरथी में बहा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं मुसलमानों को यहां पर काटकर भगा दूंगा। अगर एक हिंदू को मारा जाएगा तो हम 4 मुसलमानों को मारेंगे। उनके इसी बयान का देश में काफी विरोध हुआ था और अब उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। अब देखते हैं मिथुन चक्रवर्ती को पुलिस गिरफ्तार करेगी या फिर नहीं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी का नाम रखा दुआ, तो भड़के हिंदूवादी संगठन, बोले मुसलमानों का नाम क्यों रखा गया। जो दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड की सबसे अच्छी जोड़ी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के एक घर प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। हाल ही में दिवाली के दौरान उन्होंने अपनी बेटी का नाम दुनिया को बताया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी उनके सभी प्रार्थनाओं का फल है, इसलिए उसका नाम दुआ रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी नाम का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने कहा है कि ये मुस्लिम नाम है और दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को यही नाम बचा था, क्या आन हिंदुओं के नाम उनके पास नहीं थे। वहीं आपको बता दें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बेटी के इस नाम का हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं और इनको मुसलमान बता रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बीजेपी को दी धमकी, बोले मुसलमानों को कुंभ से बाहर अगर भाजपा ने भगाया तो हिंदुओं को दरगाहों पर नहीं आने देंगे। जो दोस्तों आपको बता दें कि आगामी 2025 के महाकुंभ मेले में मुस्लिम दुकानदारों की उपस्थिति पर बड़ा विवाद सामने आया है। साधु संतों और अखाड़ों के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ मेले में मुस्लिम दुकानदारों को दुकान लगाने से रोकने का निर्णय लिया है। हालांकि इस फैसले पर मुस्लिम समुदाय के नेता और मौलानाओं ने नाराजगी जाहिर की है, जो इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला कदम मानने हैं। वहीं आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के इसी निर्णय का अब सपा सांसद जियाउर रहमान ने भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमानों को कुंभ मेले से भगाया गया और मुसलमानों की दुकानें वहां पर नहीं लगाने दी गई तो हम भी हिंदुओं को दरगाहों पर नहीं आने देंगे और उनको दरगाहों पर से भगाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सहित प्रदेश के कई बाबाओं ने इसका प्रस्ताव रखा था कि मुसलमानों को इस बार कुंभ में दुकानें नहीं लगाने दी जाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू पहनावे से कैंसर का खतरा, अब महिलाओं को डॉक्टर ने दी चेतावनी, देश भर में मचा बवाल। जो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हुए एक अध्ययन में डॉक्टरों ने पेटीकोट कैंसर नाम बीमारी से पीड़ित 2 महिलाओं के मामले का दस्तावेजीकरण किया है, जो संभवतः साड़ी के नीचे पहने जाने वाले हिंदुओं के पेटीकोट को कसकर बांधने के कारण होता है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के अनुसार इस प्रथा से त्वचा की पुरानी सूजन,
अल्सर और कुछ मामलों में त्वचा कैंसर हो सकता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल VMJ केस रिपोर्ट में प्रकाशित अध्ययन में पारिवारिक परिधान पहनने से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम पर प्रकाश डाला गया है। इसमें डॉक्टरों ने बताया है कि इस स्थिति को साड़ी कैंसर कहा गया है, लेकिन वास्तव में कमर के धागे की जकड़न इस समस्या के लिए जिम्मेदार है। दरअसल आपको बता दें कि जो हिंदू महिलाएं साड़ियां पहनती हैं और पेटीकोट पहनती हैं, तो पेटीकोट ज़्यादा टैट पहनने के कारण महिलाओं के कैंसर हो रहा है, और इस बात के सामने आने के बाद हिंदुओं में बवाल मचा हुआ है। अब हिंदू महिलाएं मुसलमानों के कपड़े यानी सूट सलवार पहनने की इच्छा जता रही हैं।